पूरे देश में 4 जून के बाद से इस बात को लेकर तो बहुत चर्चा हो रही है साहब कि एनडीए अलायंस एक साथ रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या इस बात पर कोई विचार भी कर रहा है कि इंडिया गठबंधन का क्या होने जा रहा है साहब? जो स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, ऑल इज नॉट वेल, बहुत बुरी हालत है साहब। इंडिया अलायंस तो ऐसा लगता है कि संसद भवन में पहुंचने से पहले ही चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो क्यों कह रहा हूं मैं आपके सामने, ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख है कि विपक्ष की पार्टियां जो कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए एकजुट हुई, वो चुनाव खत्म होने के साथ ही बिखराव के रास्ते पर चल निकली हैं। और ये बहुत ही मुमकिन था क्योंकि ये दिख रहा था, ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस था। और इस अलायंस ऑफ कन्वीनियंस की दरारें चुनाव के पहले भी थी और अब चुनाव के बाद तो मुखर तरीके से दिखाई दे रही है। मसलन दिल्ली की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव हुआ, उसको लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पहले ही अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया, विवाद हुआ तो कांग्रेस को जगह दी गई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि भाई साहब कांग्रेस वाले जय हिंद नमस्ते, पहले साथ थे अब नहीं है, यानी कि स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति है। आइए बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां पर सबसे ताजा अनुभव है। लोकसभा के चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर किया, हमने देखा किस तरीके से एनडीए के मुकाबले महाविकास अघाड़ी के पास ज्यादा से ज्यादा सीटें आई। लेकिन अब विघटन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों पर चुनाव होना है। 4 विधानसभा परिषद की सीटों के लिए मतदान 26 जून को है। उद्धव ठाकरे की ने महा अपनी जो शिवसेना है उनके सहयोगियों यानी कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के साथ बात किए बगैर सभी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, किसी से बात नहीं की, ना नेशनल एनसीपी से बात की शरद पवार से, ना ही कांग्रेस से बातचीत। जब यह मामला सामने निकला, कांग्रेस ने नाराजगी जताई, तो फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने गठबंधन के सहयोगियों से सलाह किए बगैर उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे को कोंकण स्नातक और नासिक शिक्षक उम्मीदवारों के नाम को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस की नाराजगी जब सामने निकल कर आई तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने थोड़ा सा अपना पैर पीछे किया और कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की नाम को वापस ले लिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ती अगर कोऑर्डिनेशन पहले से होता तो? उद्धव ठाकरे से बात करने की महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की कोशिशें अभी तक नाकाम है साहब। उद्धव ठाकरे ने एहसान जताते हुए आखिरकार कांग्रेस के लिए कोंकण की सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस 2 सीट मांग रही थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने उन्हें 1 सीट दी है और कांग्रेस ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया है। यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे यह मानती है कि उसका स्ट्राइक रेट पहले के मुकाबले कहीं बेहतर है, लिहाजा कांग्रेस वहां पर बड़े पार्टनर की भूमिका में होते हुए भी कॉम्प्रोमाइज पार्टनर की तरह काम करे, अन्यथा गठबंधन गया थैंक यू। कुछ यही हाल आगे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनावों को लेकर जो वहां पर परिस्थितियां बन रही थी उसमें एनसीपी शरद पवार गुट के लिए भी अब बहुत मुश्किलें आ रही हैं कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाने में, यानी कि महाराष्ट्र में धड़ 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 मामला गड़बड़। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर से कहा कि कांग्रेस के साथ जो तालमेल था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, राज्य में हम अपना चुनाव खुद लड़ेंगे, सभी की सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के स्थानीय इकाई ने भी कहा है कि हम ये चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, 70 सीटों पर हमारे भी उम्मीदवार होंगे। तो यानी कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव जो कि दिसंबर जनवरी में होने वाले हैं वहां पर त्रिपक्षीय मुकाबला होने वाला है। इतना ही नहीं, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है जो भी गठबंधन था वो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए था। हरियाणा विधानसभा जो कि बस अब 3 से 4 महीने के बाद उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वहां पर अभी कोई गठबंधन नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे।
कांग्रेस ने भी वहां पर तान लिया है। कांग्रेस भी कह रही है कि हरियाणा में हमारे ही उम्मीदवार होंगे। दीपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट आपके सामने है। ये स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कही जा चुकी है कि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में जो गठबंधन था वो लोकसभा का गठबंधन था। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है, 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो यानी इंडी अलायंस का गठबंधन लोकसभा तक के लिए था, विधानसभा में लागू नहीं होता। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल नाराज दिख रहे हैं। गठबंधन की बैठक में ना बुलाए जाने पर वो अपनी नाराजगी सामने रख चुके हैं। इसके साथ साथ बनासवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, मगर सांसद चुने जाने के बाद वो अब अपने आप को स्वतंत्र उम्मीदवार बता रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान की गड़बड़ी भी आपको हमने दिखा दी। अब जरा बात करते हैं बिहार के साथ। बिहार में चुनाव फरवरी मार्च 2025 में होने वाले हैं, लेकिन खटपट अभी से शुरू हो गई है। आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था एनडीए के खिलाफ। आरजेडी ने अभी से ही मुखर तरीके से कहना शुरू कर दिया है कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार हमारे होंगे, हम तय करेंगे कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को सामने रखना है। कांग्रेस के तमाम लोग जो कि बड़े उत्साहित हैं लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद, उनकी तो बस हवाई उड़ी हुई है, क्योंकि अगर आरजेडी अपनी मनमानी करेगी तो विधानसभा में कांग्रेस अपने आप को कैसे आगे कर पाएगी और कहां से विधानसभा में अपनी जगह बना पाएगी। कुल मिलाकर देखा तो वहां स्थिति भी गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए चुनौती यह बन रही है कि कांग्रेस के नेता तो हवा हवाई हैं ही, खुद उनके तमाम सांसदों को एकजुट रख पाना अब आसान होता नहीं दिखाई दे रहा। सेंधमारी की वहां पर कोशिशें चल रही हैं और अखिलेश यादव लगातार अपने सांसदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कांग्रेस के साथ भी थोड़ा बहुत खटपट होता दिख रहा है साहब। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की तो बात ही छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कर दिया था कि वो इंडिया अलायंस में है ही नहीं, कांग्रेस के साथ उन्होंने साथ चुनाव लड़ा ही नहीं था लोकसभा में। विधानसभा में तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अगर चाहे तो हमारे साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है, वामपंथी दलों को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस क्या पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों को छोड़ेगी, इसको लेकर कांग्रेस उहापोह की स्थिति में है। अब यहां पे हालात ये बन रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसदों को तोड़ने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का यह दावा है। कई उनके नेता ट्विटर पर इस तरह की बातें, एक्स पर ये बातें लिख चुके हैं। और ये 4 सांसद अगर तृणमूल कांग्रेस के पास पहुंच गए जैसा कि उनका दावा है, तो उनका यह भी मानना है कि हम कांग्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बंगाल में। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज इंडी अलायंस की स्थिति अपने आप में बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। अभी तो संसद का पहला सत्र शुरू नहीं हुआ है, सांसदों ने शपथ तक नहीं ली है, और उसके पहले स्थिति यह बनती दिखाई दे रही है कि इंडी अलायंस विघटन के रास्ते पर है। तो एनडीए के बारे में जो फिक्र किया जा रहा है उससे थोड़ा सा अलग हटते हुए इंडी अलायंस पर अगर विपक्षी दल ध्यान दे दें तो शायद देश को एक मजबूत और कारगर विपक्ष मिले, अन्यथा ये चाहत भी जाती रहे।